अपने आर्ट कौंसल सिर्फ अपने मुलाजमान नूं चैक देंदे जिहड़े घर च नौकर रखे, ना कोई आर्टिस्ट ने ना कोई बंदे ने। इन्ना चंगा मेरा बच्चा। इलाजा मर गया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिता, जिहड़ा आर्टिस्ट है जिहड़ा मैनूं नहीं जानता। दिल नहीं लगना वे सजना, दिल नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ओमेगा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अरशद। नाज़रीन, आज हमारे साथ माशरे के एक ऐसा किरदार मौजूद हैं जिन्होंने बहुत से अजीम फ़नकारों के साथ, अजीम गुलकारों के साथ काम किया। 1965 की दिहाई से उन्होंने थिएटर पे काम का आगाज़ किया और बेशुमार नामवर फ़नकारों अदाकाराओं के साथ उन्होंने मिलकर मौसीकी, लोक फ़नकारी, लोक मौसीकी को परवान चढ़ाया। उसके बाद 73 की दिहाई से लेकर ताहाल उन्होंने तकरीबन 40 साल का अरसा रेडियो पाकिस्तान पर बतौर म्यूज़िक कंपोज़र की अपनी खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन एक ऐसा फ़नकार जो माशरे की ठोकरों के बाद और बहुत से नामवर गुलकारों के साथ, जिनमें सुरैया मुल्तानीगर, अताउल्लाह ईसा खेलवी, नामवर गज़ल गायक ग़ुलाम अली और जिस जैसे बेशुमार बड़े सितारों को कंपोजिशन में और उनके दीगर मौसीकी के मामलात में मावनत का वसीला बनने वाले हमारे साथ आज मौजूद हैं सफ़दर नया साहब, जो कि ख़ुद भी फ़न मौसीकी, लोक फ़नकारी का फ़न रखते हैं और बाकायदा उन्होंने इसकी शागिर्दी भी इख्तियार की। लेकिन आज वो अपनी दुख भरी दास्तान लेकर ओमेगा न्यूज़ के साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि आज मौसीकी की दुनिया में जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके आपके साथ हालात हैं, उसके बारे में कुछ आगाह करें? ये जो हालात हैं इसमें तो मौसीकी आ ही नहीं सकती या बहुत आ जाती है, क्योंकि तकलीफ तकलीफ से मौसीकी निकलती है। जब आदमी की ऐसी ज़रूर पड़ती है ना, वो चीखता है, चिल्लाता है। ये मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं उनको, लफ्ज़ों का रूप जो धारणा होता है ना, उसकी तकलीफ़ को महसूस करना है। गज़ल बनाऊँ, गीत बनाऊँ, पंजाबी, उर्दू, कुछ भी हो, मगर उसकी लफ्ज़ों को देखना है, फीलिंग। सारी उम्र यही किया है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने सन 82 में ग़ुलाम अली साहब को टेलीविज़न के प्रोग्राम में, काफ़ियों का एक प्रोग्राम था जिसमें शायरा प्रवीण तरन्नम नायक साहब और ग़ुलाम अली साहब ने मेरी तारीफ़ की कि यार आप बड़ी अच्छी तरह से बना रहे हैं आजकल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहा जी आपकी मेहरबानी है, आपको देखने वाली हैं। मैं कहा मेरा एक प्रोग्राम है दिल दरिया, उसके प्रोड्यूसर हैं नासिर खान साहब। तो यार आप उन दिनों ग़ुलाम अली साहब पिंडी शिफ्ट हो गए थे, वहाँ कोठी कोठी बना ली थी। कहने यार मुझे पिंडियों से आना पड़ेगा, मैं फिर दो आइटम गाऊँगा, तुम इतनी अच्छी कंपोजिशन करते हो। मैं कहा तुम बड़े आदमी हो, एक जमाना वेख्या है, उस्ताद बरकत अली खान की बैठ के खिदमत की, मैंने नहीं पता, मैं सारे मैं भी नाल ही उठे कट्ठे से। मैं कहा मैं ताडा अदब करना, मैं तुम नहीं होते। कहते नहीं तेरा बड़ा मज़ा आ रहा, तू बड़ी अच्छी ट्यून है, उस्ताद ने तेरे को सीखी है, तू शागिर्द होया उन्होंने, मैंने खुशी है, बड़े वे उस्ताद है शागिर्द है। बाकी ए मैं दस दो आइटम करने नहीं, मैं बिस्मिल्लाह मैं फिक्र च पै गया। मैं तरन्नम नाज में भी मैं याद करा बैठा हाँ, तो शाहदा प्रवीण के घर भी दो बारी जाके मैं याद करा बैठा। तो हूँ मैं उन्होंने किनू कट्टा तीन आइटम तीन ने प्रोड्यूसर ने मैं गल की, उन्हें कहा तुम दो कर लेना इन्होंने, एक असि बाद चला दें, आर्केस्ट्रा आ गया सारा कुछ, मेरी थोड़ी जी उन्होंने बहस होगी। मैं क्या सर कल की जुमेरात जुम्मे रिकॉर्डिंग है, कल तुम तशरीफ लाओ, मैं थोड़ी तरह रिहर्सल वेख लीए कि मैं किधर न जाना की करना है। भाजी ना मेरी को गर्मी सर्दी होगी थोड़ी, अरे यार मैं रेडियो टीवी दी इट्टा जान दी ने सफदर खान, तू ठीक अच्छा काम कर रहा माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा तेरा, तू मैं दस दे सही रैसल की करनी। मैं चल दसो थोड़ी बहस ही हुई, बाद
मैं कल 4 बजे आ जाऊंगा। आए थे 4:15 बजे तक मेरे को जो मैं बनाना चाहता सा, जो मैं तर्ज घुमानी चाहता सा, मैं रात भी लगा रहा, मैं सारा दिन लगा रहा। गुलाम अली साहब ने मैं एक शफाफ जी काफ़ी वक्रे स्टाइल की कोई बनाई, मगर गल नहीं बनी मेरी, तरजा तो बनती रही हूँ मैं। 4:15 बजे मैं म्यूजिशियन बैठे हुए ने टीवी दी रिहर्सल रूम च, बाहर निकलिया मैं, गेट ए दरवाजा मैं खोलिया तो तर्ज बनी, कंपोज चढ़िया मेरे कंप्यूटर च लगा सा, कभी दादरा कभी कुछ कभी कुछ कभी कोई ठेका लवा लें कभी कुछ। मैं उन्होंने कहा यार मनी खां जी तबले का, मैं मनी खां, कहना जी शौकत साहब का शकीर से उस्ताद शौकत साहब का, कहना जी भाई मैं पुत्र जरा मुगलई ला हाँ, उन्हें मुगलई लाई उस मैं काफ़ी बनाई मुश्किल लै सी, उन्होंने भाजी ने भी याद करनी पी, काफ़ी देर लग गई उन्होंने, वरना वो अड्डे सारा वाजा फड़ के पूरी दुनिया गाने वाला आर्टिस्ट है, जितों का चाहे जो कर दे, मगर वो कम किसी बंदिश का होया ना, उन्होंने भी याद करना पाया। फिर उन्होंने जो याद कर लिया फिर उस गाने का मैं वो जिंदगी बन गई उस गाने की, सारबाना मेहरबाना राइया ए उन्होंने किया। उत्तों फिर रौला पै गया कि पागुलाम अली नू गवाया, बड़ा अच्छा गवाया, सुई अमृतानी करा गई वह एक प्रोग्राम किया काफिए का, सूफी मुश्ताक साहब वो प्रोड्यूसर सन, ये सैयद नासर जहाँ साहब प्रोड्यूसर सन। फिर रेडियो से मैं कंटिन्यू रोज़ मेरे को 3 आर्टिस्ट 4 आर्टिस्ट रोज़ मैं 2 गाने 4 गाने डेली करता, कभी रजब अली आ गया कभी हमद अली खां आ गया, जिन्हें बारी शड्यूल हों, मैं कॉन्टैक्ट ते रहा सारी उम्र, 68 साल तो मेरे कॉन्टैक्ट भी खत्म हो गया और रौनक मुक गई भी जाके पत्ते दरख्त फुल वेदा रहता, वो शामी साहब और दूसरे बड़े लोग जोड़े उत्थे होंगे सन, कोई भी नहीं रह गया, चंद लोग रह गए रेडियो से, जब रिकॉर्डिंग ही नहीं होनी कोई अगर सेल डिपार्टमेंट लै जाए, होम सर्विस लै जाए, रिकॉर्डिंग लाभ लै जाए, CPU लै जाए, बड़े बड़े लोगों ने काम किया, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर ने किया, सलीम गिलानी साहब ने बड़ा काम किया, धारमी साहब ने किया, इधर सदक अली खान ने किया रेडियो पाकिस्तान लाहौर से कराची पिंडी, बड़े 2 आर्टिस्ट ने जो आते हैं उन्होंने प्यार ही बड़ा कर, एक इजाज हुसैन अजमी साहब एक अपना तफैल दिया जी साहब। आप खुद भी फने मौसीकी करते रहे हैं, आप करते हैं, अपनी पसंद से कोई 2 लफ्ज़ सुनाए ना जी। हाँ एक गाना मैं इंडिया गए सन शफकत अली खान साहब, खान साहब सलामत अली खान के बेटे, और मैं उस घराने में बड़ा प्यार करना और उस गायकी में और उन्होंने भी बड़ा प्यार करना, उन्होंने मैं एक गीत बना के दिता सी, एक चैनल की ओपनिंग सी, तो उत्थे टीवी स्टार उतों के इंडिया के भी सारे आए हुए सन, शफकत खान कहता कि यार मैं जाना उत्थे खान साहब, मैंने कोई गीत ऐसा नवी गल घर लै गए, बड़ा अच्छा नाच चा चा शामी कुआ, और मैं 2 लफ्ज़ सुना देना तुम इस गल में, 7-8 साल हो गए ने उन्हें चैनल, तो बड़ी लोगों ने तारीफ की, नैट ते गया वो आइटम भी नहीं होते मेरा, मेरा सारी उम्र की कमाई से मेरा बेटा गफार जोड़ा 22 तरीक की रात सुबह 21 की रात 22 की सुबह ना सपोर्ट होने की वजह ना ना इलाज होने की वजह ना, एडा क्रिएटिव आर्टिस्ट यानी कि बेटा कह रहे हैं तबला प्लेयर ढोल प्लेयर हारमोनियम प्लेयर कीबोर्ड प्लेयर इन्ना चंगा मेरा बच्चा बेलाजा मर गया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिता, आर्ट काउंसिल वाले ने उसका चेक भी नहीं दिता, अपना आर्ट काउंसिल सिर्फ अपने मुलाजमान को चेक देते जो घर से नौकर रखे, ना कोई आर्टिस्ट ने ना कोई बंदे ने, पता नहीं कितों आए हैं तो किन्हें चेक दे रहे ने, जन 50 साल इतने तो ताहिर साहब सन नईम ताहिर साहब, अलहमरा आर्ट काउंसिल कच्ची सी, उदो 2 नंबर हाल बनया, एक नंबर हाल बनया ही नहीं, असी कच्ची आर्ट काउंसिल से परफॉर्म करते रहे
कभी कोई रिपोर्टर, कभी कुछ काम करना, हमारी रिपोर्टर कभी बढ़िया, कभी मैं कुछ बढ़िया, कभी कुछ बढ़िया। मैं यावर यात्रा काम किया, सर अकादमी ने काम किया, मनु भाई साहब के नाल काम किया, कमाल अहमद रिजवी नाल, अलफनून ड्रामे, तोता कहानी वो उन्होंने इशफाक साहब की, बानो कुछिया साहबा उन्होंने तोता कहानी से बैकग्राउंड म्यूजिक किया, सर अकादमी वो प्रोड्यूसर सब इन्ना इन्ना अच्छा काम किया, कोई बेनीफिट ना मेरी कोई मिला। दो मेरिया जवान बेटियां थी, एक तो बड़ी मुश्किल में बीए कराया, और मेरा जवान बेटा बीमारी की हालत च इस दहान को चला गया। इन्ना अच्छा मेरा परफॉर्मर बेटा अपनी गरीबी, क्योंकि कारोबार हूँ म्यूजिक का नहीं रह गया, जदों के टीवी रेडियो बंद ही हो गया एक तरह का, ना उत्थे कोई आर्टिस्ट आता, ना शायर कोई आता, ना कोई ड्रामा आर्टिस्ट आता, ना कोई स्क्रिप्ट लिखण वाला आता। असी कदीम तो मैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं इतने चप्पे चप्पे च मेलिया ठेलिया च गा के भी खिदमत की, आलम लुहार नाल, साजी अख्तर साहब नाल, असमाइल दे ठेठे च, बाली जट्टी दे ठेठे च, जिहड़ा आर्टिस्ट है जिहड़ा मैनूं नहीं जानता, मगर मेरी गवर्नमेंट ने कोई मुद्दत खिदमत नहीं की, सिर्फ दो शख्सियतां ने अल्लाह दे बाद, या मेरा एक बेटा है वह भी दुखी है बेचारा, उसकी बीवी सारा कुछ लुट के उन चले गई है, और कभी कभी मैंने पैसे भेज देता ताकि मैं प्यो। आपका जो बेटा दुनिया से चला गया उसकी याद में आपने कुछ गुनगुनाया या उसकी याद में कुछ लिखा तो वो हमसे भी दिल में यूं लगना वेख सजना, दिल 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 नहीं यूं लगना वेख सजना, दिल नहीं लगना वे तेरे बाजू मेरा, वे सोने वे हानिया ना जावी, परदेस तू नहीं लगना वे तेरे बजो मेरा, वे सुने वे सुने ना जावी, मैं तो दूर तू। नाजरीन, ऐसे बेशुमार किरदार हमारे माशरे में मौजूद हैं जो दर्द, दुख और ऐसी आहोसिसकियों के साथ माशरे में बेतहाशा टैलेंट और फन लिए अपने सीने में फिर रहे हैं। हमारी हुकूमत से और आर्ट्स काउंसिल से दरख्वास्त है कि ऐसे टैलेंट को, ऐसे लोगों को खुदारा उनका ख्याल कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे मुल्क का फ़न, हमारे मुल्क का फ़नकार ज़िंदा रह सके। इस प्रोग्राम से आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह अगली रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।